है कि उनको टिकट नहीं मिला है किसी पार्टी की ओर से, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सुनने में आ रहा है कि यादव समाज के लोग शायद पावर स्टार पवन सिंह को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सही बात है क्या? किसी का पावर स्टार सांसद बन जाएंगे तो क्या आपको उम्मीद है जो है कि क्या क्या होना चाहिए? उम्मीद है उनसे, आज हम मिले भी होते तो पावर स्टार पवन सिंह हीरो है, नायक है, अगर वो जीत जाएंगे तो चले जाएंगे मुंबई, वहाँ पे समय देने लगेंगे। अच्छा तो क्या देख के पावर स्टार पवन सिंह की आप सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं गांव-गांव में घूम के हर जगह? कुशवाहा और ये राजा राम कुशवाहा, उनके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन उसको वोट देने नहीं जा रहा है लोग, ना देगा और ना राजा राम को वोट मिलेगा। तो क्या आप चाहती है कि पावर स्टार पवन सिंह अगर सांसद बन जा रहे हैं तो क्या क्या जरूरी है यहाँ पे? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इस पार्टी से हैं, हम इस पार्टी से हैं। हाँ, निर्दलीय अगर वो बहुत अच्छा काम कर दे तो समझिए कि हाँ, वो सबसे बेहतर के साथ में रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। हाँ साथ में वादा किए ना? हाँ वादा किए हैं। अच्छा झूठ मतलब? नहीं नहीं, वो झूठा इंसान नहीं है पवन सिंह। अच्छा झूठा नहीं है? नहीं, वो पवन सिंह झूठा इंसान नहीं है। अच्छा जी। अच्छा फिल्म विल्म देखती है उनका? हाँ फिल्म देखती। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों हम भी मस्त है। दोस्तों हमारे साथ अभी पावर स्टार पवन सिंह के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो है कि ये लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं गांव समाज में घूम घूम के, पवन सिंह के लिए जो है कि वोट मांग रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं, गाँव का लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अच्छा सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में अंकल जी। थैंक यू अंकल जी। जो है कि पावर स्टार पवन सिंह के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, गांव समाज में घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को अब की बार जो है कि सत्ता में लाइए, तो लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा लोग ये नहीं ना कह रहे हैं जो है कि पावर स्टार पवन सिंह को टिकट नहीं मिला हुआ है, निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट नहीं देंगे, अभी मोदी लहर है जो है कि मोदी जी केंद्र में अच्छे हैं उनको वोट देंगे क्या? ना ना, मोदी जी तो अच्छे हैं, इसमें कोई नहीं कहेगा। अच्छा, कि मोदी जी अच्छे नहीं, मानते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं? मानते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं। क्यों? तो मोदी जी के लिए जो है कि वोट मांगिए, जो उनका कैंडिडेट यहाँ पे उतरा हुआ है उनको जिताने का प्रयास। तो जो 5 साल कैंडिडेट रहा कारागढ़ क्षेत्र से, वो कान में तेल डाल के जाके दिल्ली सो गया। अच्छा अच्छा, इसीलिए जनता वोट दिया है उनको। अच्छा, वो समझ गया कि मेरा ही लिखाया हुआ सीट है, ऐसा होता नहीं है। हाँ अच्छा। उनको अगला को दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा होता नहीं है, जो काम करेगा अब उसी को मिलेगा। अच्छा। ये पवन सिंह धरातल पे काम कर रहे हैं और ये सांसद बनेंगे, लगातार जीतते रहेंगे। अच्छा तो आपका साफ साफ कह रहा है कि जो केंद्र में है मोदी जी वो अच्छे हैं, अच्छे वो अच्छे नेता है, बट यहाँ पे जो उनका सांसद था जो कि वो गलत है, बहुत गलत है। नहीं हाँ। तो इसलिए जो है कि मोदी जी पावर स्टार पवन सिंह को यहाँ से टिकट न दे के बहुत बड़ा भूल की है, गलती की है, बहुत बड़ा भूल की है। ये रहते तो बढ़िया रहता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम तो कहना ही नहीं था। पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय से जो है कि यहाँ से तो लड़ रहे चुनाव, 100% उनकी जीत भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। अच्छा कहना क्या है, 1 तारीख का वोटिंग है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 4 तारीख को देखिएगा कि लाखों से वोट से अधिक से जीत रहने जा रहा है आपको पावर स्टार पवन सिंह। हाँ पवन सिंह। अच्छा हर समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हर समाज के लोग सपोर्ट। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि यादव समाज के लोग शायद पावर स्टार पवन सिंह को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सही बात है क्या? किसी का दिल में कोई घुसा नहीं है ना कोई रहता है, लेकिन तब बात रही कि बहुत अच्छा यादवों का भी वोट और मुसलमानों का पवन सिंह के साथ आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हर जाति का वोट मिल रहा है, हर जाति का वोट, हर जाति का वोट मिल रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा कोई कमी भी बता रहे हैं लोग? बताने वाले तो कोई किसी के बारे में बताता है, लेकिन तो धरातल पे सारे जाति का पवन सिंह का वोट मिलने जा रहा है। हाँ ये 4 तारीख को आपको रिजल्ट में दिखेगा। 4 तारीख को? 4 तारीख को। अच्छा क्या क्या जोड़ी है लोगों को, ये बता सकते हैं? लोग तो आपसे बता भी रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, पावर स्टार पवन सिंह को कहिएगा, इस टाइप से तो बोलते होंगे, सही बात है कि नहीं? बोलते हैं, फिर भी अगला जो मुखिया का इलेक्शन छोटा सा लड़ता है वो कितना दिन डिस्टर्ब रहता है, एक दिन कहीं से आप सफ़र करके आइए, 2 दिन आप सोए रहिएगा, इतना काराकाट बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें अगला इतना मेहनत जोरों तोरों से कर रहा है, अब अगला भले 100 आदमी में 1 आदमी का भेंट नहीं हुआ उसके लिए बुरा माने तो मूर्खता कहा जाएगा। अच्छा हाँ।
अच्छा तो क्या देख के पावर स्टार पवन सिंह की आप सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं गांव-गांव में घूम के हर जगह? सांसद बनेंगे तो हम लोग का पूरा क्षेत्र का काराकाट जितने भी बड़ा क्षेत्र है सारे पब्लिक का विश्वास है कि उन लोगों से करोड़ गुना अच्छा काम करने जा रहे हैं पवन सिंह। अच्छा पावर स्टार पवन सिंह जो है कि हीरो है, नायक है, कहीं सांसद बन के और चले जाएंगे मुंबई में, वहाँ पे फिल्म शूटिंग करने लगेंगे अपना, बताइए। बहुत अच्छे इंसान है, नायक होना हीरो होना उस समय पे करते रहे। हाँ सारे बस सारे काम करते रहेंगे और सबसे ज्यादा टाइम आपके क्षेत्र में देंगे, क्षेत्र में देंगे। और उनका आदमी हमेशा यहाँ पे मौजूद रहेगा? नहीं हम मौजूद रहेगा। अच्छा हर पल पल का अभी जो है कि गांव समाज में जाया कि पावर स्टार पवन सिंह के लिए वोट मांग रही है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, हम भी घूम रहे साथ में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और सब आप सभी से भी यही अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई को पवन भैया का आशीर्वाद दीजिए और उनको सांसद बनाइए। अच्छा पावर स्टार सांसद बन जाएंगे तो क्या आपको उम्मीद है जो है कि क्या होना चाहिए? उम्मीद है उनसे आज हम मिले भी और उम्मीद है कि वो अच्छे इंसान है और सबके लिए अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे? हाँ करेंगे। अच्छा आंटी जी आप क्या कहना चाहती हैं जो है कि आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, गाँव समाज में घूम रही हैं, उनके लिए वोट मांग रही हैं? क्या कहेंगे? कहेंगे कि पवन भैया के जिताइए, संसद बनाइए, उनको दिल्ली तक पहुंचाइए। दिल्ली तक पहुंचाइए? दिल्ली तक पहुंचाइए। अच्छा लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि करेंगे, करेंगे, एकदम करेंगे और वोट देंगे हम पवन सिंह को, देंगे पवन सिंह को, पवन सिंह पे। दो दो उम्मीदवार हैं जो है कि उपेंद्र कुशवाहा और ये राजाराम कुशवाहा, उनके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं लेकिन उसको वोट देने नहीं जा रहा है लोग, ना देगा ना राजाराम को वोट मिलेगा, वो वोट मिलेगा उपेंद्र पवन भैया को, पवन सिंह को, पावर स्टार पवन सिंह को मिलेगा, इन्हीं को वोट मिलेगा। मेहनत कर रही है गाँव समाज में घूम घूम के, लोग क्या कह रहे हैं? लोग क्या कहेंगे, यही कह रहे हैं कि हाँ हम लोग पवन सिंह के साथ है, सपोर्ट करेंगे, एक बार उनकी भी सरकार आनी चाहिए, संसद बना के एक बार उनको भी देखना चाहिए। फिर अब संसद बनने के बाद वो क्या करते हैं वो उन पे डिपेंड करता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे और आगे भी बनते रहेंगे संसद। तो क्या आप चाहती है कि पावर स्टार पवन सिंह अगर सांसद बन जा रहे हैं तो क्या क्या जरूरी है यहाँ पे? यहाँ पे पहले तो डालमिया नगर फैक्ट्री उन्होंने जो बोल रखा है कि तो उस पर वो काम करेंगे, चालू करवाएंगे उम्मीद है कि, और फिर अपनी गरीब बहनों बेटियों की शादी करवाएंगे। अच्छा अच्छा चलिए, और ये दो चीज़ सबसे पहली जो है कि मांग है आप लोगों जी जी जो है कि उनको टिकट नहीं मिला है किसी पार्टी की ओर से, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? निर्दलीय रहेंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनपे पूरे बिहार के लोग का सपोर्ट है और बिहार से काराकाट क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, वहाँ से जहाँ तक अभी पवन भैया गए वहाँ से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी, जी, अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा। टिकट से कोई लेना देना नहीं है क्या? नहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इस पार्टी से हैं, हम इस पार्टी से हैं। निर्दलीय अगर वो बहुत अच्छा काम कर दे तो समझिए कि वो सबसे अच्छे बेहतर है। जो है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है गांव-गांव में घूम घूम के, जो है कि पावर स्टार पवन सिंह के लिए वोट मांग रही है, क्या लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा। और हम सांसद का प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने भाई का प्रचार कर रहे हैं। पवन सिंह पावर स्टार मेरा भाई है, मैं उसका प्रचार कर रही हूं। अच्छा कोई सांसद कोई नेता का प्रचार नहीं। यहां से तो जो है कि बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो गए और जो है कि राजाराम कुशवाहा हो गए और ये पावर स्टार पवन सिंह, तो क्या है मतलब क्यों इन्हीं का आप सपोर्ट कर रही हैं? मैं जानती राजा राम को, मैं नहीं जानती उपेंद्र कुशवाहा को। अच्छा। मैं सिर्फ पावर स्टार को जानती हूँ, पावर स्टार को, वो अच्छे हैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं गांव-गांव में महिलाओं को लेकर के घूम रही हूँ। जी अच्छा पावर स्टार से मिली हैं आप? हाँ बहुत बार मिले हैं, बहुत बार। हाँ क्या मतलब क्या है वो वोट के बाद तो यहीं रहना है, मिलेंगे। हाँ हम तो अपने हैं, क्या स्टार पवन सिंह हीरो है, नायक है, अगर वो जीत जाएंगे तो चले जाएंगे मुंबई, वहाँ पे समय देने लगेंगे फिल्म नहीं, नहीं जाएंगे मुंबई, यहीं पे फिल्म शूटिंग करेंगे। आप मिलके उनसे जो है कि बातचीत तो हुई होगी, तो ये बात चर्चा किए कि नहीं आप? हाँ चर्चा किए हैं, यहीं पे रहेंगे हम सबके साथ रहेंगे, काराकाट में वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहीं पे इंडस्ट्री खोलेंगे। हाँ यहीं पे रहेंगे, यहीं पे हम काम करेंगे। हाँ यहीं पे करेंगे, हम लोग के साथ में रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। हाँ साथ में वादा किए ना? हाँ वादा किए हैं। अच्छा झूठ मतलब? नहीं नहीं वो झूठा इंसान नहीं है पवन सिंह। अच्छा झूठा? हाँ, नहीं है। नहीं वो पवन सिंह झूठा इंसान नहीं है। अच्छा जी। अच्छा फिल्म विल्म देखती है उनका? हाँ फिल्म देखते हैं लेकिन हम भक्ति सॉन्ग उनका ज्यादा सुनते हैं। भक्ति सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं? हाँ भक्ति सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं और हम बहुत उनको मतलब भक्ति सॉन्ग से ज्यादा लाइक करते हैं। हाँ
आप भक्ति सॉन्ग सुनते हैं क्या? गाना सुनते हैं उनका, पवन भैया का। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हर त्योहार में हम लोग सुनते हैं उनका गाना। तो चलिए दोस्तों, जो है कि आपका क्या राय है, आप जो है कि यहाँ से किन को देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय बिहार।